में बात होगी यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी की व्यूह रचना की। दरअसल सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। और इस बैठक में उन मंत्रियों को बुलाया गया था जिनकी ड्यूटी 10 सीटों के सियासी समीकरण को भांपने के लिए लगाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। उपचुनाव के लिए संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही यूपी सरकार के 16 मंत्रियों की टीम को अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई। इस टीम में बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कुछ सीटों पर 2 तो कुछ पर 1 मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ ही संगठन के भी पदाधिकारियों को लगाया गया है। दरअसल उपचुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वोटर पार्टी से छिटका है वो चिंता का विषय है। बीजेपी उपचुनाव में जीत दर्ज कर लोकसभा में मिली हार पर मरहम लगाना चाहती है, और इसीलिए मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज करने के लिए अभी से क्षेत्रों में डटे रहने को कहा गया है। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी में टिकट के लिए भागदौड़ भी शुरू हो गई है। विधायक से सांसद बनने वाले नेता जहां अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिलाने में जुटे हैं, तो वहीं कई पूर्व सांसद और विधायक भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की इस रणनीति चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है, और क्या बीजेपी के व्यू में फंसकर विपक्ष उत्तर प्रदेश का रण हार जाता है या विपक्ष लोकसभा चुनाव वाली जीत कायम रखता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि उपचुनाव की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान अपने हाथ लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कार्य समिति बैठक भी हुई थी उस पर भी 27 और उपचुनाव को लेकर के मंथन किया गया था, रोड मैप तैयार किया था, जिसको लेकर के आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्रियों को बुलाया है और ये मंत्रियों से फीडबैक लेने का काम भी करेंगे। तो मौजूदगी देखिए हमारी सीएम आवास पर ही है, जहां पर जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है, और आपको ये भी बता दें कि सीएम चुनाव को लेकर के तैयारियों का फीडबैक लेंगे और साथ ही साथ उपचुनाव के लिए 10 विधानसभा क्षेत्र में 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। इनमें से 13 कैबिनेट मंत्री हैं और 17 राज्य मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है, और सभी मंत्री आवास पहुंच चुके हैं और बैठक चल रही है, और फिलहाल बैठक के बाद ये सामने आ जाएगा कि क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिन पर जो मंथन है वो हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर अब सीधा जो साधना है वो 2027 को लेकर के और साथ ही साथ जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के पूरी जो मंथन है, जो तैयारियां हैं वो होनी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैंने कहता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। और चलिए एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुका है, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मनीष कुमार पांडे जी जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस, धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता सपा, प्रेम कांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राघवेंद्र जी आपसे, प्रतिष्ठा दांव पर है, लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षाकृत नहीं मिल पाए 14 और 19 जैसे, अब ये 10 विधानसभा उपचुनाव कितने दमखम से उतर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसको पूरी ऊर्जा के साथ लड़ती है, और हम लोग समाज सेवा के लिए काम करते हैं। जब हमारी सरकार वो सरकार के माध्यम से सेवा का भाव लेकर के आते हैं, नहीं तो संगठन के माध्यम से खोलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमको अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले, निश्चित रूप से हमारी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य था, हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनी। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जो एनडी गठबंधन है वो इतनी खुशी को मना रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास जितनी सीटें या एनडी गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी अकेले लेकर के आई है। मध्य प्रदेश में शून्य में रहे हैं ये लोग, अरुणाचल प्रदेश में शून्य में, त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, उड़ीसा में, 13 राज्यों में ये शून्य पर रहे हैं। इनको अपने आप पे चिंतन करना चाहिए कि आज की तारीख में एनडी गठबंधन कहां पे खड़ा है।
हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो निश्चित रूप से ऊर्जावान गठबंधन है। हम लोग को ये 10 की 10 विधानसभा सीटें हैं जो है, को लेकर के पूरी ईमानदारी से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य। और तय कीजिएगा विवेक जी, परिणाम भी इसी के आसपास आएंगे। चलिए ठीक है, आपके लक्ष्य को भेदने के लिए दो पार्टियां तैयार है। पहले मनीष जी का रुख करता हूँ। मनीष जी, अब उत्साहित तो हैं आप लोग, क्योंकि ये परिणाम 14 और 19 में कांग्रेस से पूछे जा रहे थे कि क्या होगा यूपी में, कभी 2 कभी 1, लेकिन इस बार 7। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से अलायंस का एक बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला, संजीवनी कहीं ना कहीं सपा गठ की ओर से जो गठबंधन हुआ उससे जरूर मिली होगी कांग्रेस को, मिली ही है जाहिर सी बात है। सबसे पहले यहाँ बैठे सारे प्रवक्ताओं को मेरा प्रणाम। और जैसा कि अभी भाजपा प्रवक्ता जी लगातार कह रहे थे कि उनको अपना देखना चाहिए, तो मैं सर्वप्रथम उनको एक चीज बता रहा हूँ, जहाँ पे वो 80 की 80 सीटें जीतने का दम्भ भर रहे थे लोकसभा चुनाव। जी जी बोलिए पांडे जी। हम लोगों ने ये कहा कि संगठन में कितनी शक्ति है और सारे लोगों ने मिलकर उनको जनता के सामने से जो उनका मुखौटा है छीन लिया। जनता भी अब अच्छी तरह यह जान चुकी है कि झूठ और फरेब के नाम पे ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक इनका नहीं चलना है। तो उत्साह के साथ साथ हमें जनता पर पूर्ण भरोसा है कि इस बार, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में आपने परिणाम देख लिया, लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देख लिया, अब फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा उसका परिणाम भी लगभग इसी तरह का कुछ होगा, पूरी उम्मीद। ठीक है, उम्मीद है आपको। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, सपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अखिलेश यादव की अगुवाई में, मतलब वो जादुई आंकड़ा छू लिया जिसे नेताजी भी नहीं छू पाए, कहीं ना कहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए तो ये बम्पर जीत है। 10 उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी? देखिये, सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सही है, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने लोकसभा के चुनाव में जब हम बुनियादी सवालों को लेकर के गए तो हमें अच्छा समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया। अब वो जो बुनियादी सवाल लेकर के हम लोकसभा के चुनाव में गए थे, महंगाई, बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लीक होती नौकरियां हो, कुशासन हो, गड्ढे में बदलता उत्तर प्रदेश हो, ये सारी यथावत है। इस पर कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकारें नहीं कर रही। अलबत्ता केंद्र और राज्य की लड़ाई में यहाँ दो उप मुख्यमंत्री लगातार प्रयास में रहते हैं, हमारा वो फट करके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, संगठन वर्सेस सरकार, इन सब की लड़ाई में जो आपसी द्वंद्व है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता का। सारे विकास का प्रभावित है, किस तरह से बुलडोजर नीति का जवाब लोकसभा के चुनाव मिला, शिक्षकों की हाजिरी का मामला रहा, ये उपचुनाव का डर ही है कि देखे किस तरह से बैकफुट पे आना पड़ा। इनके बुलडोजर को जो जन विरोधी कार्य था उसको जनता ने जवाब दिया कि जन जन ताकत से इनके बुलडोजर को हम हराएंगे और वो हो रहा है धीरे धीरे। तो जहां तक सवाल 10 सीटों के चुनाव का है, उपचुनाव का है, उन ज्यादातर सीटों पर हम अभी लोकसभा के चुनाव में जीते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है। उस विश्वास ऐसे ही नहीं है, मैंने पहले जैसे कहा कि जो बुनियादी सवाल जिन पर जनता ने वोट किया था उस पर ये सरकार अभी भी ना तो सीरियस हुई, ना उनको हल करने का प्रयास किया, ना डीजल पेट्रोल के दाम घटे, ना महंगाई कम हुई, ना गैस सिलेंडर के दाम घटे, ना जो है विदेशों से काला धन आया, ना इन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप देख ही रहे कोई काम नहीं किया, चार चार ब्रेकिंग सरमी हो गई, जमीन पर कोई इंडस्ट्री नहीं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप नौकरियां लीक की यथावत समस्या बनी हुई है, तो सीधे सीधे जनता ने मन बनाया, केवल यही उपचुनाव नहीं, आने वाले अब सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तिवारी साहब का रुख करते हैं। तिवारी साहब, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के नतीजों से क्या ये 10 उपचुनाव प्रभावित होंगे? हाँ, एक बात तो मुझे भी ये लगती है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उनका कुछ न कुछ तो हैंगओवर अभी बना रहेगा। लेकिन ये कितना आगे स्थायी रहेगा, कितना जारी रहेगा, ये जरूर एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पे लगता है। क्योंकि देखिए, जो इनका 400 पार का, अब की बार 400 पार का नारा था, या उत्तर प्रदेश में 80 मिशन 80 जो था, उसको अगर ये कह करके कि संविधान को बचाना है तो फिर ये बीजेपी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पूरी तौर से ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने
जी एक पूरी तौर से ये मुहिम चला दी कि देखो 400 पार तो इसलिए लाना चाहते हैं, बाकी तो साधारण बहुमत तो ये होता है और ये सब कुछ ऐसी सूरत हाल में। हाँ। तो वो वोट जो बहुजन समाज पार्टी का आमतौर से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा था, वो खासतौर से वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान के शिल्पी थे उनकी तरफ से, उनका जो मानने वाला तबका, ये केवल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल दलित ही एक तबका है या वंचित सभी, मतलब उसमें ओबीसी भी आ गए, वो बहुत से ऐसे लोग हैं, ओबीसी भी हैं, उसमें सवर्ण लोग भी आते हैं। तो उन लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं वास्तव में होने जा रहा है, और विपक्ष ने माहौल बना दिया था, विपक्ष ने पूरा माहौल बना दिया, माहौल बना दिया और जनता के गले उतर गई वो बात। तो इस लिहाज से वो नतीजा ऐसा आया। अब इस नतीजे को चूंकि इतने करीब में, अब उपचुनाव अभी तो खैर तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणा होते ही अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है और कितना कोशिश कर पाती है। अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री इस समय मीटिंग कर रहे हैं अपने मंत्रियों और साथियों के साथ में और ग्रुप्स के साथ में, दसों जगह पर 10 ग्रुप बनाए गए हैं और उसमें 30 मंत्री रखे गए हैं, जिसमें 13 तो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हैं और बाकी 17 जो है राज्य मंत्री हैं। तो ये देखना है वो डैमेज कंट्रोल कितना करते हैं। और इस बीच में ये बात धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल सही कही कि वो जो स्थिति चल रही है कि स्वामी प्रसाद को केशव प्रसाद मौर्य जी ने जैसे कह दिया कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, तो इसका मतलब तो ये है कि संगठन और सरकार के बीच में क्या सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्या, ये एक इशारा मिलता है। और फिर वो भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली में बुलाए गए और उसके बाद में फिर ये बार बार कहना, और एक बयान और इनका आया है जो संजय निषाद है, संजय निषाद ने कहा कि भाई बुलडोजर कल्चर जो थी उसके वो भी कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है और उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। कल लखनऊ में पटाखे फोड़ रहे थे लोग और सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे थे कि आपने यहाँ पर कार्यवाही नहीं करवाई, अच्छा किया। अच्छा वो आप उसकी कह रहे हैं जो कुछ लाल निशान लगाए गए थे मकानों के ऊपर, तो वो तो देखिए ठीक है, जनता की अगर कोई समस्या है और उसको मुख्यमंत्री ने तुरंत सुना और संवेदनशीलता से उसका हल निकाला तो ये एक बड़ी चीज है। भाई देखिए बेघर कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी का घर बनाना बहुत अहम बात आपने कही है, बहुत मुश्किल है ना। तो इस लिहाज से संवेदनशीलता का इसमें एक परिचय होना आवश्यक है। बिल्कुल। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री ने किया तो उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए जी, कि कम से कम उन्होंने जनता की समस्या को समझने की कोशिश की और उनको एक सकारात्मक हल देने की कोशिश। बिल्कुल, ये अहम बात आपने कही। राघवेंद्र जी का फिर से रुख करते हैं। राघवेंद्र जी, अब प्रतिष्ठा दांव पर है और दांव पर क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार से 2014 में 70 प्लस, फिर उसके बाद आप लोग 64 के करीब आए और इस बार ये आंकड़ा लग यही रहा था कि अगर बीजेपी बहुत कम भी परफॉर्मेंस करती है तो 50 प्लस तो कर ही लेगी, 60 के लगभग आ जाएगी, लेकिन ये आंकड़े 40 से कम अप्रत्याशित थे। अब किस तरह से आप लोग जनता के बीच में जाएंगे और क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी, मतलब इंटरनल स्ट्रेटेजी वो तो आप गुप्त रखिए, लेकिन फिर भी एक जनता के बीच किस तरह से जाएंगे आप लोग? देखिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अभी हताश नहीं है, हाँ थोड़ा सा कष्ट इस कार से थोड़ा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा है नहीं ज्यादा नहीं है, अरे नहीं थोड़ा थोड़ा होता ना तो वो चल जाता, पर ये थोड़ा नहीं है, ये ज्यादा है। जिस तरीके से इन लोगों ने अपना प्रचार किया, हाँ किस तरीके से कहा संविधान खुला मैदान है, आपके लिए भी उनके लिए भी है, जैसा आप वैसे वोट जनता को देना। इन बातें हमें लग रहा राजनीति में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, राजनीति में रचनात्मक विरोध किया जाता है। अच्छा, अगर आप इस प्रकार का विरोध करेंगे तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता इनका जो स्तूप है, इनका जो परिचय इंडी गठबंधन पहचान गई है, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है। हमें लग रहा है 40 साल के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है, 35 या 40 साल के बाद केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी इंडिया एनडी गठबंधन की हमारी जो सरकार रिपीट हुई है,
तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। देखिए देश की जनता ने हमको भर भर के प्यार दिया है, इसमें कहीं भी कोई हिचक नहीं है। हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारी जो नहीं परिणाम हमारे अपेक्षा कम नहीं आए, एक दिन निश्चित रूप से हम ये मानते हैं हमने जो लक्ष्य रखा था हम लोग उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि 10 विधानसभा सीटें जो है उसको हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे, पूरे ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। और हम लोग कभी भी पहले बिना ऊर्जा के तो कोई चुनाव लड़ते नहीं, विवेक जी आप लोग ये भली प्रकार से जानते हैं। जो हमारी केंद्र में दो सरकारें थी, दो सीटें थी पार्लियामेंट की, तभी हम लोग पूरे ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ते थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाए हुए और निश्चित रूप से 10 की 10 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। बिल्कुल। और एक छोटा सा सवाल राघवेंद्र जी इसलिए भी है क्योंकि अभी उत्तराखंड के भी नतीजों की बहुत चर्चा हो रही थी। हालांकि आप कहेंगे कि बद्रीनाथ सीट तो पिछले 3 टेन्योर से हमारे पास नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा था कि 2 उपचुनाव में 1 उपचुनाव तो बीजेपी जीतेगी, तो लगभग लगभग उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, इसको हमको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए। कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, इसको अगर हम अस्वीकार करेंगे उसमें किंतु परंतु किस लिए वोट लगाएंगे तो हमें लग रहा उचित नहीं है। वहां की जनता ने हमको वोट नहीं दिया, मांगे इधर से बात है। हम प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय में सीटें जीतने का, चाहे उत्तराखंड हो चाहे कोई भी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये अहम बात आपने कही। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जब बोल रहे थे बीच में, बोलिए धर्मेंद्र। नहीं बिल्कुल, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी राघवेंद्र जी से की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। खास इनकी बात से इनके नेता समझ जाते कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है और वोट मिलता जाता रहता है। कितना सलीके से प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा, पाकिस्तान से लेकर के ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले माँ से मुजरा, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुर्गा और मंगलसूत्र तक गए ये लोग। तो ये प्रचार का इनका तरीका बेहतर था, इस बात को मैं समझ गया, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि किस तरह से विपक्ष पे उंगली उठा रहे थे। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आदरणीय प्रेमकांत जी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी ने समाधान दिया, ऐसा नहीं है। अभी जब इसके पहले तोड़ा गया तो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषणों में और अपने प्रदेश कार्यसमिति बैठक में कहा किस तरह सीना चौड़ा करके कि देखिए मैंने ढहा दिया। लेकिन देख जो लोकसभा के चुनाव के हार और जो उपचुनाव है, जब पूरा पार्टी में अंतर्विरोध उनके आया, जनता के गुस्सा को इन्होंने देखा, शिक्षकों के गुस्से को देखा, तो किस तरह से पीछे हटने को मजबूर हुए। ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। जनता को गुस्सा देखते हुए ऐसा कोई समाधान मुख्यमंत्री जी ने दिया नहीं दिया, और ना इतना बड़ा कांड जिस बुलडोजर की बात हो रही है, जो प्रधान मुख्यमंत्री जी अपने मीटिंग में बुलडोजर खड़ा कराते हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि बुलडोजर की कार्यवाही हो रही, इतने घर गिर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की संज्ञान नहीं है। अगर संज्ञान में इस तरह की पूरे प्रदेश के शिक्षकों की समस्याएं, पूरा इतना एक एक मोहल्ला साफ हो जाता है, अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है तब तो इनको मुख्यमंत्री रहने कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कई बार देखने को मिला है लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। लोकतंत्र में जिस विषय पे आपको कानून बनाना हो, निर्णय लेना हो, उसके समग्र रूप से उसके सारे स्टेक होल्डर से जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात करके जब कोई निर्णय लिया जाता है तो वो अच्छा इम्प्लीमेंट भी होता है, उसके इफेक्ट आते हैं। आपने से लेकर के हमारी बात को जो जान दे, बस 30 सेकंड बोलिए बोलिए। किसानों की समस्या थी, किसान कानून ले आए, किस तरह से राज्यसभा के अंदर बिना बहुमत के पास करा लिए, हल्ला करके अंत में वापस लेना पड़ा। उसी तरह शिक्षकों की जो अटेंडेंस का मामला था, सारे शिक्षक को, शिक्षक नेताओं को बुला लेते, ऑफिसर्स को बुला लेते, उनके प्रतिनिधियों को बुला करके जवाब लूंगा राघवेंद्र जी से। बिल्कुल, इसी तरह की और जो समस्याएं हैं, अगर आप सर्वदलीय बैठक है उसके संबंधित पार्टी के उसके नेताओं से अगर आप बैठ करके राय लेके कोई अच्छा सोल्यूशन देंगे तो लोकतंत्र में अच्छी बात है। लेकिन आप तानाशाही तरह रात में सपना आए सुबह इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है जनता ने दिखा। ठीक है पांडे जी, पांडे जी आपकी प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया जनता का। बिल्कुल पांडे जी, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता जी ने बताया है कि संविधान खतरे है में का नारा लगा के चुनाव लड़ता गया, जो कि एक बरगलाने वाली बात थी। मैं इनको याद दिलाता चलूं, 15 लाख रुपए कभी शहीदों के नाम पे तो कभी मंगलसूत्र के नाम पे चुनाव लड़ने वाले ये लोग हैं, और कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये के वजह से इन लोगों का पूरी तरह से खात्मा होना अति आवश्यक था। और स्पेशली जिस राज्य में चुनाव होना है उस राज्य को ये दुनिया के सामने और मीडिया की मदद से
ये साबित करना चाहते थे कि राम राज्य। चलिए चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है, तिवारी साहब का अंतिम रुख करूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया तिवारी साहब की लेंगे। तिवारी साहब, सजेशन क्या होगा इस बार जिस प्रकार से बीजेपी चुनावी मैदान में जाए, क्योंकि कांग्रेस और सपा तो फुल ऑफ पावर दिखाई दे। जी, सीधी सी बात एक ये है, प्रशासन और जनता के बीच में अगर एक ये गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको मिटाना होगा। कार्यकर्ता और संगठन के नेताओं के बीच में अगर कोई गैप है, हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा, और हटा करके आपस में मिलजुल करके अगर आगे बढ़ेंगे और सुशासन, वास्तव में एक मित्र सुशासन की व्यवस्था देना चाहेंगे, तब जा करके भारतीय जनता पार्टी को। बाकी ये जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है और इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी 10 सेकंड में बात कर कंप्लीट कीजिएगा, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी और आने वाले 10 विधानसभा का चुनाव भी लड़ने। ठीक है, बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूंगा सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। उपचुनाव की परीक्षा और तैयारियों की समीक्षा पर हम बात कर रहे थे कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों, जैसे ये चुनाव के नतीजे होंगे, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से तैयारियां जारी है। फिलहाल के इस खास पेशकश